शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर की दहाड़ सुनकर ही अच्छे अच्छे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। शेर एक सोशल एनिमल है जो अक्सर समूह में रहना ही पसंद करता है। शेर के शौक नवाबों वाले होते हैं। ये दिन में 20 घंटे आराम करते हैं और केवल 3 से 4 घंटे ही शिकार करने या भोजन करने में व्यतीत करते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शेर दौड़ सकते हैं। आज से करीब 2000 साल पहले धरती पर 10 लाख से अधिक शेर हुआ करते थे। 100 साल पहले भी शेरों की संख्या करीब 5 लाख थी, लेकिन आज के समय में सिर्फ 35,000 ही शेर धरती पर बाकी रह गए हैं। भले ही आप शेर को खूंखार और खतरनाक मानते हैं और ताकत के मामले में भी शेर का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन शेर की कुछ प्रजातियां ऐसी भी हुई हैं जो मौजूदा शेरों के मुकाबले से कहीं अधिक पावरफुल हुआ करती थीं। आज हम शेरों की ऐसी ही 6 स्पीशीज के बारे में बात करेंगे जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। केप लायन, ये शेरों की एक सब स्पीशीज थी जो अफ्रीकी महाद्वीप के केप ऑफ गुड होप के आसपास पाई जाती थी। इनका साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो मेलन कोकांटिया है। ये शेर दिखने में काफ़ी खूंखार लगते थे। इनके कंधे और चेस्ट पर घने बाल हुआ करते थे, जिसे देखकर ही शिकार थरथर कांपने लगता था। शेर का वजन और साइज अन्य अफ्रीकी शेरों के मुकाबले थोड़ा कम था। आम शेरों का वजन 170 से 230 किलो के बीच होता है, तो वहीं केप लायन का वजन 160 से 180 किलो के बीच होता था। ये शेर अफ्रीका के ईस्टर्न रीजन से लेकर वेस्टर्न रीजन तक पाए जाते थे, लेकिन इंसानों के शिकार के कारण अब ये विलुप्त हो चुके हैं। साल 1858 इनका एक्सटिंक्ट ईयर माना जाता है। केप लायन अपने दुश्मनों के साथ एक कड़ा मुकाबला दिया करते थे। सामने चाहे कितना ही खतरनाक दुश्मन क्यों ना हो, ये उसे चारों खाने चित करना जानते थे। अपना डिफेंस करना भी इन्हें बखूबी आता था। शेर की इस उप प्रजाति को कटेंगल लायंस भी कहा जाता है। मुस्बाक लायंस, शेरों की इस प्रजाति का साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो फॉसिलिस है और ये आज से करीब 25 लाख साल पहले अस्तित्व में थे। 30,000 साल पहले ये धरती से विलुप्त हो चुके हैं। मुस्बाक लायन अधिकतर यूरोपीय इलाकों में रहा करते थे। इनके टाइम पीरियड को पैलेस्टिसीन ईपोच कहा जाता है। पहली बार मुस्बाक लायन के फॉसिल्स की खोज जर्मनी के मुस्बाक शहर में हुई थी और वहीं से इस शेर को ये नाम मिला। मुस्बाक लायन की स्किन पर मोटे फर होते थे जो इन्हें ठंड से बचाने में मदद करते थे। यूरोप में सर्दियों के मौसम में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन मुस्बाक लायन को ठंड से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। मुस्बाक लायन का साइज काफ़ी बड़ा होता था। इनका वजन 350 से 450 किलो के बीच होता था। इनकी ताकत भी कमाल की होती थी। बर्फीली जगहों पर भी ये बेझिझक रह लिया करते थे। आइस एज में भी ये सर्वाइव कर गए। इनकी मोटी फर के कारण कोई अन्य जानवर इन पर अटैक करने के बारे में नहीं सोचता था। इनका फेस का स्ट्रक्चर आज के शेरों के मुकाबले अलग था। जिस जीव का ये शिकार किया करते थे, अपने नुकीले दांतों से उसे तुरंत ही मौत के घाट उतार देते थे। बार्बरी लायन, बार्बरी लायंस को एटलस लायन या नॉर्थ अफ्रीकन लायंस भी कहा जाता है और इनका साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो लियो है। ये नॉर्थ अफ्रीका के एटलस माउंटेन रेंज में रहा करते थे, जिसके तहत मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिसिया और लीबिया का एरिया आता था। इसे रॉयल लायंस भी कहा जाता है क्योंकि पहले के समय में मोरक्को और इथियोपिया में इन्हें रॉयल फैमिली द्वारा पाला जाता था। एक एडल्ट मेल बार्बरी लायन का वजन 200 से 250 किलो के बीच होता था। इस शेर की सबसे खास बात इसका बड़ा लीवर है जो इसे और भी ज़्यादा खतरनाक बनाता था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भला लीवर बड़ा होने से कोई जानवर कैसे खतरनाक हो सकता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि बार्बरी लायन का बड़ा लीवर खाने और पानी को स्टोर करने का काम करता था। इस लीवर में ग्लाइसोजिन स्टोर हो जाता है, जिससे शेर को एनर्जी मिलती रहती थी। यदि एक हफ्ते तक बार्बरी लायन को पानी या खाना नहीं मिले तो भी यह आसानी से जिंदा रह सकता है। अफ्रीका जैसे देशों में अक्सर पानी और खाने की किल्लत देखने को मिलती है, ऐसे में बार्बरी लायन का लीवर इसे जीवित रखने में बहुत सहयोग करता था। बार्बरी लायन गर्म रेगिस्तान के साथ साथ ठंडे इलाकों में भी आसानी से जीवित रहते थे। इनके ऊपर भी फर की एक मोटी लेयर हुआ करती थी जो इन्हें हार्श क्लाइमेट से बचाने में मदद किया करती थी। ओवर हंटिंग और हैबिटेट लॉस के कारण ये शेर अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अमेरिकन लायन, अब बात करते हैं अमेरिकन लायन की, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में पैंथेरा लियो एट्रॉक्स कहा जाता है। ये शेरों की एक उप प्रजाति है जो पेलिस्टोसिन ईपोच के दौरान अस्तित्व में थी। ये अमेरिका के अधिकतर इलाकों में पाई जाती थी, जिसे आज यूएसए के नाम से जाना जाता है। मेक्सिको से लेकर अलास्का तक सभी एरिया में ये रहा करते थे।
अमेरिकन लायन बहुत खतरनाक माने जाते थे। ये अपने जमाने में इकोसिस्टम के सबसे खूंखार शिकारी हुआ करते थे। मैमोथ और बाइसन जैसे जानवरों का शिकार ये पलक झपकते ही कर लिया करते थे। इसके अलावा भी तमाम तरह के जानवरों को ये मारकर खा जाया करते थे। इनका साइज काफी बड़ा होता था, 220 किलो से लेकर 400 किलो तक का इनका वजन होता था। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी जानवर इनके पास आने से घबराने लगता था। 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये शेर दौड़ सकता था। लेकिन अब कभी अमेरिकन लायन दुनिया में देखने को नहीं मिलते। करीब 12,000 साल पहले ये धरती से विलुप्त हो चुके हैं। बरिंगियन लायन। बरिंगियन लायन एक प्राचीन सब स्पीशीज रही है जो बरिंगिया रीजन में पाई जाती थी। आपने शायद पहले कभी इस जगह का नाम न सुना हो। आपको बता दें कि पहले के समय में अलास्का और साइबेरिया को एक रास्ता जोड़ा करता था जिसे बरिंगिया का नाम दिया गया था। ये एरिया करीब 1600 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था, यानी इतने बड़े एरिया में बरिंगियन लायन प्रजाति के शेर पाए जाते थे। आज से करीब 370,000 साल से लेकर 190,000 साल तक ये शेर अस्तित्व में रहे थे। इनका शरीर काफी बड़ा हुआ करता था। बरिंगियन लायन की सबसे बड़ी ताकत इनके पंजे थे। इनके पंजों का साइज काफी बड़ा होता था जो कुछ ही सेकेंड्स में शिकार के चीथड़े करने के काम करते थे। इनके पंजे हर तरह की सतह पर ग्रिप बना लिया करते थे, यहाँ तक कि बर्फ या स्नो में भी ये आसानी से शिकार कर लेते थे। ठंड में भी ये आसानी से अन्य जानवरों का शिकार करते थे। एक्सपर्ट्स की माने तो पर्यावरण में बदलाव आने के कारण बरिंगियन लायन लुप्त हो गए। आज भी इन्हें अपने जमाने के सबसे खूंखार शिकारी जानवरों में शुमार किया जाता है। केव लायन। एक्सटिंक्ट हो चुकी शेरों की सब स्पीशीज में सबसे खतरनाक केव लायंस को माना जाता है, जो दुनिया के अलग अलग कोनों में पाए जाते थे। ये एशिया, यूरोप, अलास्का से लेकर साइबेरिया तक के एरिया में फैले हुए थे। इनकी संख्या भी अच्छी खासी थी और ये लाखों साल पहले अस्तित्व में रहे थे। करीब 14,000 साल पहले ये धरती से विलुप्त हो गए थे। केव लायंस बहुत ही खास और ताकतवर थे। ये हर तरह के वातावरण में आसानी से रह सकते थे। पहाड़ी इलाका हो या फिर समतल, इन्हें कहीं भी रहने में तकलीफ नहीं होती थी। ये खुद को पर्यावरण के अनुसार ढाल लिया करते थे और इनके जबड़े में इतनी ताकत थी कि एक ही बार में ये दुश्मन की हड्डियों को चूर चूर कर दिया करते थे। केव लायंस का बाइट फोर्स 1800 पाउंड्स प्रति स्क्वायर इंच था, जो आज के शेरों के मुकाबले दुगना है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने खूंखार हुआ करते थे। भालू या अन्य बड़े से बड़े जानवर भी इनके आगे कुछ मिनट से ज़्यादा टिक नहीं पाते थे। यदि आज ये जानवर जीवित होते तो इंसान इन्हें अपना शिकार बनाने से पहले कई बार सोचता। तो दोस्तों, ये थी शेरों की कुछ ऐसी ताकतवर प्रजातियाँ जो अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। हर साल बड़ी संख्या में शेरों का शिकार किया जा रहा है। शेरों के अलावा कई अन्य जानवरों के अस्तित्व पर खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। लुप्तप्राय जीवों को बचाने के दिशा में कई संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन जब तक आम लोग इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वे अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, अब आप संकल्प लें कि जंगली जानवरों के संरक्षण के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको इन 6 प्रजातियों में से सबसे खतरनाक प्रजाति कौन सी लगी या जिसे आप धरती पर देखना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।